हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आज मैं कुछ बेसिक एविएशन टर्म्स शेयर करूंगा रिगार्डिंग एयरलाइन पर्सनल जो जस्ट फॉर नॉलेज शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो आइए देखते हैं तो किसी भी एयरलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है उनके एयरक्राफ्ट एंड एम्प्लॉयज़ एंड जितने भी वर्किंग पर्सनल आपको एयरपोर्ट पर दिखते हैं राइट फ्रॉम योर रिजर्वेशन काउंटर चेक इन बोर्डिंग गेट योर फ्लाइट अटेंडेंट्स पायलट्स इंजीनियर्स एंड ऑल इन सभी को कलेक्टिवली एयरलाइन पर्सनल कहा जाता है एंड इसमें फर्स्ट है पी आई सी दैट इज पायलट इन कमांड और कैप्टन ऑफ द फ्लाइट तो किसी भी फ्लाइट में आपने नोटिस किया होगा मिनिमम टू पायलट्स जरूर होते हैं किसी किसी में थ्री भी होते हैं बट उनमें से सिर्फ वन पायलट ही लीगली सर्टिफाइड और ऑथोराइज होता है टू ऑपरेट दी एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स इन स्पेसिफिक फ्लाइट और कंडीशन और इन अदर वर्ड्स एक पी ही लीगल कमांडर और इंचार्ज होता है एयरक्राफ्ट का जो अल्टीमेट होल्ड करता है कम्पलीट ऑपरेशन एंड सेफ्टी की दैट किसी भी फ्लाइट रूल का अगर वायलेशन होता है किसी भी फेस में या कोई एमरजेंसी आता है देन जो फर्स्ट प्राइमरी पर्सन लाइबल होगा वो है पायलट इन कमांड नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफिसर और को पायलट तो फर्स्ट ऑफिसर सेकेंड इन कमांड होता है कैप्टन के बाद एंड इन केस ऑफ इनकेशन मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें कैप्टन अपनी नॉर्मल ड्यूटी परफॉर्म करने में कैपेबल ना हो ड्यूरिंग एनी फेज ऑफ फ्लाइट तो उस स्पेसिफिक कंडीशन में फर्स्ट ऑफिसर विल एज्यूम कमांड ऑफ़ द एयरक्राफ्ट और इस तरह का न्यूज़ आपने ज़रूर सुना होगा कि कैप्टन को फ्लाइट के दौरान हार्ट अटैक होने की वजह से फर्स्ट ऑफिसर ने इमरजेंसी लैंडिंग की नेक्स्ट टर्म है पायलट फ्लाइंग और पायलट नॉट फ्लाइंग तो किसी भी फ्लाइट में एट ए टाइम वन पायलट फ्लाई कर रहा होता है दैट इज इवन आफ्टर ऑटो पायलट इज ऑन वन पायलट सिर्फ एंगेज रहता है फ्लाइंग में और दूसरा पायलट उसको मॉनिटर एंड क्रॉस चेक कर रहा होता है दैट इज फ्लाइट पाथ ए टी सी इंस्ट्रक्शन हैंडलिंग एंड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और ये कंट्रोल शेयरिंग इसलिए किया जाता है ताकि ईच पायलट एफिशियंटली परफॉर्म कर पाए और वर्क लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों के बीच एंड बिफोर कमेंसिंग ईच फ्लाइट सेक्टर ये कैप्टन डिसाइड कर सकता है कि कौन फ्लाई करेगा और कौन मॉनिटर करेगा ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन फ्लाई कर रहा है एंड कैप्टन हमेशा ऑक्युपाई करता है लेफ्ट हैंड सीट सेम वे फर्स्ट ऑफिसर राइट हैंड सीट इवन सीनियर फर्स्ट ऑफिसर भी राइट हैंड सीट ही ऑक्युपाई करता है और सीनियर फर्स्ट ऑफिसर वो होता है जिसके पास सारे रिक्वायरमेंट्स हैं कैप्टन बनने के लिए बट कमांड लाइन चेक उसका बचा हुआ है लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई कर रहा है तो भी अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स एंड क्रू सिर्फ कैप्टन के हाथ में होता है जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया नेक्स्ट है ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर जिसे जूनियर फर्स्ट ऑफिसर या सेकेंड ऑफिसर भी कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन एयरलाइन तो ये एयरलाइन में न्यूली रिक्रूट पायलट होता है जो अंडर ट्रेनिंग होता है एंड किसी भी फ्लाइट में ये जम्प सीट ऑक्यूपाई करता है ताकि कैप्टन एंड फर्स्ट ऑफिसर के एक्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाए कंपनी के एस से फेमिलियर हो पाए एंड आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड चेक्स इनको एज अ फर्स्ट ऑफिसर रिलीज किया जाता है देन इसके बाद ही वो किसी भी कैप्टन के साथ फ्लाई कर सकते हैं लाइक अ नॉर्मल रूटीन नेक्स्ट है फ्लाइट like अटेंडेंट और कैबिन क्रू जिनको और भी दूसरे नाम से एड्रेस किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन एयरलाइन एंड कंट्री और इनका काम होता है पैसेंजर सेफ्टी एंड कम्फर्ट को इन्श्योर करना और इन अदर वर्ड्स इनका ही डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेक्शन होता है पैसेंजर्स से एंड इसमें भी एक्सपीरियंस के बेस पे आप सीनियर लेवल पे जा सकते हो लाइक सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट और चीफ फ्लाइट अटेंडेंट बट ओवरऑल जितने भी लोग ऑन बोर्ड काम करते हैं दैट इज़ में उनको कलेक्टिवली कैबिन क्रू कहा जाता है और आपने ये फ्लाइट में जरूर सुना होगा कि कैबिन क्रू आम ऑल स्लाइड्स और टेक योर सीट्स फॉर लैंडिंग टेक ऑफ एंड एक्सेट्रा नेक्स्ट टर्म है फ्लाइट इंजीनियर ये टर्म मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि आप में से किसी ने कमेंट किया था तो एक फ्लाइट इंजीनियर फ्लाइट क्रू का ही एक मेंबर होता है जो एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करता बट इनका काम होता है टू मॉनिटर इंजिन क्रिटिकल सिस्टम एंड वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद पायलट्स और इनका एक डेडिकेटेड कंट्रोल पैनल रहता है बट ये पोस्ट सिर्फ बड़े एंड कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट में ही होता है जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स हों और मेनली ये डिफेंस में रहता है एंड आज के डेट में नॉर्मली ये किसी भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट में नहीं होता ड्यू टू ऑटोमेशन एंड एडवांसमेंट नेक्स्ट है लोड मास्टर और इन अदर वर्ड्स एयरक्राफ्ट कार्गो हैंडलिंग सुपरवाइजर इनका काम होता है एयरक्राफ्ट को विद इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिमिटेशन के अंडर रखना और इसके लिए इनको पैसेंजर्स एंड कार्गो वेट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कैलकुलेशन करना होता है प्लान करना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस करना है ताकि एयरक्राफ्ट के किसी भी सेक्शन में ओवरलोडिंग ना हो और हर चीज़ सेफली एंड सिक्योरली प्लेस्ड हो नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एक ए एम ई रेस्पॉन्सिबल होता है एयरक्राफ्ट के ओवरऑल इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए विच इंक्लूड्स सर्विसिंग रिपेयरिंग ओवर और एनी मॉडिफिकेशन ताकि सभी सिस्टम्स अप टू डेट रहें किसी भी फ्लाइट के पहले इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी एंड इनके क्लियरेंस के बिना कोई भी फ्लाइट रिलीज नहीं किया जा सकता फ्लाइट ऑपरेशन के लिए नेक्स्ट है फ्लाइट डिस्पैचर एक फ्लाइट डिस्पैचर रिस्पांसिबल होता है सेफ एंड एफिशिएंट डिपार्चर ऑफ फ्लाइट्स के लिए और इन्हीं के हाथ में होता है फ्लाइट प्लान को प्रिपेयर फाइल एंड मॉनिटर करना कि कौन सा रूट सबसे सेफ एंड इकोनॉमिक रहेगा इन टर्म्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स जो ओवरऑल फ्लाइट सेफ्टी को हैम्पर कर सकता है बट इन शॉर्ट इनके ऑथराइजेशन के बिना नो फ्लाइट कैन डिपार्ट ऑन इट्स ओन एंड लास्ट है डेड हेडिंग इसका मतलब होता है एयरलाइन फ्लाइट स्टाफ मेंबर को कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक अ नॉन रेवेन्यू पैसेंजर वेन दे आर नॉट वर्किंग ताकि नेक्स्ट डे वो अपने रोस्टर के हिसाब से फ्लाइट ड्यूटी रेज्यूम कर सके जिसे अदर वर्ड्स में पोजीशनिंग कहते हैं तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट एयरलाइन पर्सनल एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टे फिट कीप लर्निंग एंड टेक केयर